हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा था प्राइक था, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को कुछ उदाहरणों को अच्छी तरह पढ़ चुके थे। आइए अभ्यास 15.2 में हम आगे कुछ उदाहरणों को अच्छे से समझते हैं कि प्राइकता में हम किन क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकते हैं, किस प्रकार हम प्राइकता को प्रॉबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको। दो ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, मंगलवार से शनिवार तक। अब प्रतीक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी दिन ने अन्य के परिणाम संप्रायिक हैं। अब क्या है इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे, और सेकंड क्या है, क्रमागत दिनों में जाएंगे। क्रमागत मतलब पहले एक जना जाएगा, बाद में दूसरा जना, और थर्ड क्या है, भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। अब कैसे, श्याम और एकता, अब मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, इस प्रकार है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार आपको दिए, अब देखिए, ठीक है, आपको दिया हुआ है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर मंगलवार, मंगलवार दो बार आ सकता है प्रोबेबिलिटी, एक बार बुधवार, एक बार मंगलवार, एक बार गुरुवार, एक बार मंगलवार, एक बार शुक्रवार, एक बार मंगलवार, और इस तरीके से आपकी सीरीज यहाँ पर बन जाएगी। देखिए, यहाँ बुधवार, यहाँ दो, एक बार गुरुवार, एक बार बुधवार, एक बार शुक्रवार, एक बुधवार, एक बार शुक्रवार, एक शनिवार और एक बार बुधवार। इस प्रकार से हमारे गुरुवार में भी हो सकता है कि हमारे श्याम और एकता किस प्रकार कर रहे हैं, तो दोनों की हमारी सीरीज बन जाती है इस तरीके से प्रोबेबिलिटी की। देखिए किस प्रकार है, देखिए शुक्रवार और शनिवार, इस तरीके से मंगल और यहाँ पर शनिवार में लिया गया है, श्याम और एकता के हमने दोनों के लिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। मंगल से शनिवार तक कुल 5 दिन हैं, इसलिए एकता और श्याम इन 5ों दिनों में दुकान पर जा सकते हैं, अतः उनके दुकान पर जाने के कुल 25 तरीके होंगे। कितने होंगे, 25 तरीके होंगे। अब देखिए कितने होंगे आपके यहाँ पर, 25 तरीके होंगे। ठीक है, ये देखिए, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हमारे दिए गए हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, हमारे कितने तरीके होंगे, 25 तरीके होंगे और एक ही दिन जाने के कुल 5 तरीके निम्नलिखित होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें देख लेते हैं हम, और यहाँ पर मंगलवार, मंगलवार एक बार, बुधवार दो बुधवार, दो बार गुरुवार, दो बार शुक्रवार और दो बार शनिवार, इस प्रकार होंगे हमारे। अब पी क्या है, दोनों एक ही दिन जाएंगे। अब 5/25 क्या हो गया, 1/5, इस प्रकार हो गया आपका। अब देखिए, दो क्रमागत, क्रमागत दिनों में जाने के कुल 8 तरीके निम्नलिखित होंगे। क्या क्या तरीके होंगे, मंगलवार, बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, बुधवार मंगलवार, गुरुवार बुधवार, शुक्रवार गुरुवार और यहाँ पर शनिवार और शुक्रवार, इस प्रकार होंगे हमारे। ठीक है, अब देखिए, इसलिए पी क्रमागत दिनों में जाएंगे, तो किस प्रकार होंगे, तो 8 आ गए आपके क्रमागत दिन और टोटल आपके आ गए 25, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए, थर्ड दिया हुआ है आपको पी, दोनों एक ही दिन जाएंगे। अब 1/5 क्या हो गया, 1 से। अब हम देखते हैं पी, दोनों भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे, तो 1 - 1/5 क्या हो गया, 4/5, इस प्रकार हमने दोनों, तो जो एक ही दिन जाएंगे वो 1/5 और जो तो अलग अलग दिन जाएंगे तो हम क्या कर देते हैं, 1 में से लेस कर देंगे 1/5, तो आ जाता है हमारा 4/5, इस प्रकार हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। एक पासे के फलकों पर संख्या 1, 2, 2, 3, 3 और 6 लिखी हुई है, इसे 2 बार फेंका जाता है तथा 2 बार प्राप्त हुई संख्याओं के योग लिख दिए जाते हैं। दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग के कुछ संभावित मान निम्नलिखित सारणी में दिए हैं, इस सारणी को पूरा कीजिए। अब पहली बार फेंकने के मान आपको दिए गए हैं और दूसरी बार फेंकने के मान आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो देखिए यहाँ पर दिए गए 1, 2, 2, 3, 3 और ये 6, यहाँ पर 1 में दिए गए हैं 2, 3, 3, 4, 4 और 7, यहाँ दिए गए 2 में 3, 4, 4, 5, 5 और 8, अब ये 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ये 3 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ है, तो 7, 8 और ये आ गया आपका 5, यहाँ पर दिया हुआ गया है, और यहाँ 8, 9, 9 और ये आ गया आपका 9 और यहाँ पर नीचे दिया गया है 12, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कुल योग क्या होगा आपका, नंबर 1 एक सम संख्या हो, क्या हो, एक सम संख्या हो, और सेकंड कि यहाँ पर 6 है,
तो कम से कम छः हैं। कितने कम से कम छः हैं? तीनों क्वेश्चंस को हमें अच्छे से इसमें करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार हमने क्वेश्चन को किया है। अब ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 2, हम सारी सीरीज को उतार लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम 1 2 2 यहाँ पर उतार लेते हैं इन सबको। अब आ जाता है हमारा 2 3 3 4 4 और यहाँ 7, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाती है हमारी 3 4 4 5 5 और यहाँ। इस प्रकार हमने इन क्वेश्चंस को किया। अब देखिए यहाँ पर 5 यहाँ 5 यहाँ 8 हमने लिख लिया इनकी बार बार, और हमारे यहाँ पर 4 5 5 6 6। ठीक है, अब देखिए दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त कुछ संभावित तरीके कितने हो गए आपके, 6 × 6 कितने हो गए, 36। अब कुल तरीके, जब कुल योग का एक सम क्या है आपका, 18 हो गया। क्या आ गया? 18 आ गया। अब पी, कुल योग एक सम संख्या है, कितनी हो गई, 18/36। क्या आ गया आपका, 1/2, क्योंकि 36 टोटल तरीके थे और सम संख्या कितनी है आपकी, 18। अब कुल तरीके जब योग कितना है, 6, तो कितने हो गए, 4 आपके, और कुल योग क्या है आपका, 6 है, तो क्या आ गया आपके, 4/36। तो कुल योग से आपको निकालना है, और ये आ गया आपका 1/9। अब थर्ड क्वेश्चन, कुल तरीके जब योग कम से कम 6 है तो कितना आ गया आपका, 15। इतना आ गया। अब पी, कुल योग कम से कम 6 है तो कितना आ गया आपका, 15/36, तो ये आ गया आपका 5/12। इतना आपको समझ में आया? तो हमने किस तरीके से निकाला, सबसे पहले हमने एक तरीके, जब कुल योग एक सम संख्या है, सेकंड क्या है, जब कुल संख्या, कुल योग हमारा 6 है, तो 6 है तो उसमें हमने कुल योग कितने हो गए आपके, 4 आ गए, तो हमने क्या करा, 4/36, तो ये आ गया था हमारा 1/9। इसी प्रकार हमने थर्ड क्वेश्चन को निकाला है, कुल तरीके जब कुल योग आपका क्या है, कम से कम 6 है, तो कितने हैं, 15 तरीके हैं, तो 15/36। तो कुछ कुल अनुकूलतम तरीके और आपके टोटल तरीके, तो आपका आ गया यहाँ पर 5/12। इतना आपका समझ में आया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं, यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, दोगुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, माना नीली गेंदों की कुल संख्या कितनी है, x, और लाल गेंदों की कुल संख्या कितनी है, 5। अब देखिए कुल गेंदें कितनी हो गई आपकी, x+5। इतना आपको समझ में आया? अब लाल गेंद कितनी हो गई, 5/5+x। अब आ गई नीली गेंदें, अब नीली गेंदें आप देखेंगे तो x/5+x, ये आपका आ गया, तो आपका क्या आ गया यहाँ पर, 2 5/5+x इजिकल टू क्या आ गया, x/5+x। इतना आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आ गया आपका, 10 आ गया, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हो गई x+5, और ये क्या आ गया आपका, x²+5x। अब देखिए x²-5x-50=0, तो आपका क्या आ गया, x² आगे क्या आ गया, 10x यहाँ पर, और ये आ गया आपका +5x-50=0। अब किस प्रकार आ गया आपका, देखिए x x-10 और ये आ गया +5 और ये आ गया x-10, तो =0। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x-10 और आपका क्या आ गया, x+5 और =0। अब देखिए x-10=0 या हम लिख सकते हैं x+5=0, तो हमारा x=10 आ गया और x −5 आ गया। तो अब गेंदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ऋणात्मक वाला मान हमारा था −5, और हमारा x का नीली गेंदों की कुल संख्या हम क्या मानेंगे यहाँ पर, 10, तो यहाँ पर कैसे मान लेने हैं आपको, धनात्मक मान, जिनका मान क्या आएगा आपका, पॉजिटिव में आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव में 10 था, तो 10 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 4, यहाँ पर 5 भी दिया गया है, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, थर्ड हमारा हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। अब देखिए एक पेटी में 12 गेंदे हैं, जिनमें से एक्स गेंदें काली हैं, यदि इनमें से एक गेंद बिना देखे निकाली जाती है, या दृश्यता मतलब बिना देखे निकाली जाती है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रोबेबिलिटी कि वह गेंद काली है या कैसी है। अब देखिए यदि पेटी में 6 काली गेंद डाल दी जाएं, तो काली पेटी निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दोगुनी हो जाती है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब कुल गेंदें बराबर क्या हो गई आपकी, 12, और काली गेंदें कितनी हो गई, एक्स। पी क्या है, काली गेंद आपकी क्या हो गई, x/12। अब यदि इस पेटी में 6 काली गेंद
और डाल दी जाए तो कुल गेंद कितनी हो गई आपकी 12 प्लस 6 कितनी हो गई 18। कुल काली गेंद कितनी हो गई आपकी x प्लस 6, और काली गेंद कितनी हो गई आपकी x प्लस 6 अपॉन 18। अब प्रश्न के अनुसार देखेंगे, 2x प्लस 12 इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन 18 आपका आ गया, और क्या आ गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 6 क्या आ गया 2x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आ गया ये और आ गया x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3, तो x इज इक्वल टू 3 क्या हो गया आपका आंसर। इतना आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपको, एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे हैं और शेष क्या है नीले हैं, यदि इस जार में बिना देखे एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरे होने की प्रायिकता क्या हो गई आपकी 2/3। अब जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो नीले कंचे हमें ज्ञात करने क्या होंगे, अब कुल कंचे आपको दिए हुए हैं 24 यहाँ पर, और माना हरे कंचों की कुल संख्या क्या है x आ गई आपकी, अतः नीले कंचों की कुल संख्या क्या आ गई 24 माइनस एक्स, इतना आपको पता चला। अब हरे कंचे क्या हो गए आपके x अपॉन 24। अब प्रश्न के अनुसार क्या करना है आपका, x अपॉन 24 इज इक्वल टू 2/3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 16। अब यदि इसलिए हरे कंचों की कुल संख्या क्या आ गई 16। अब क्या है, अतः नीले कंचों की कुल संख्या क्या आ गई आपकी 24 माइनस एक्स, तो क्या आ गई आपकी 24 माइनस 16 या क्या आ गया आपका 8। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं समरी प्रायोगिक, अब ये प्रायिकता और सैद्धांतिक प्रायिकता में अंतर क्या है, और सेकंड घटना ई की सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता पी ई को हमने निकाला था को निम्नलिखित परिभाषित किया जाता है कि ई के अनुकूलतम प्रकार की संख्या और प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, जहां हम कल्पना करते हैं कि प्रयोग के सभी परिणाम क्या है संप्रायिक हैं, कैसे हैं संप्रायिक पे मतलब बराबर है, एक जैसी प्रायिकता है, और थर्ड क्या एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता क्या है 1 होती है। इतना आपने इस चीज में अच्छे से समझा, ठीक है। अब आइए फोर्थ में हमने क्या पढ़ा, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो गई 0 होती है, जो घटना असंभव हो जो पॉसिबल नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल घटना की प्रायिकता 0 होगी, और आपकी घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी है कि क्या हो गई पी आपका क्या हो गया बड़ा हो गया, और यहाँ पर 1 आपका सबसे बड़ा हो गया, इस प्रकार हम निकालेंगे। अब 6 क्वेश्चन क्या है, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम को एक ही प्रारंभिक घटना कहलाती है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या 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 होगा आपका 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। अब 7th पॉइंट क्या है, किसी भी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी डैश इज इक्वल टू 1 होता है, जहाँ ई घटना ई नहीं को व्यक्त करता है, ई और ई पूरक घटनाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं आपकी पूरक घटनाएं कहलाती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार हम प्रायिकता के क्वेश्चंस को हमने किया है, क्या उसकी प्रायिकता है, किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।